जब आप दूसरे लड़की से अफेयर बनाने के लिए आप सोचिएगा, बात कीजिएगा, गलत गलत जो आप सब लड़की से बात करते हैं मैसेज पे, कॉल पे, वो मेरे पास सारा प्रूफ है कि आप जितनी लड़की लोग से ये किए हैं। तो अभी दिन से हमको भगा के रखे हुए, हम दूसरे जगह जो रह रहे हैं, लात मार के तुम भगाए हुए हो, अब तुम क्या करोगे? तो रोशन रोही है, बहुत बड़े स्टार है, तो पैसा है, घमंड है, इस तरीके की बातें आ रही है। रोही का पूरा गाँव जानता है कि आप उनकी पत्नी है, तो उनके मम्मी से पापा से आपने बात नहीं किया? एक लड़की से अफेयर है कि कई लड़कियों से अफेयर है रोशन रोही? बहुत लड़की से वो बात करते हैं, बहुत लड़कियों से बात करते हैं रोशन रोही। दिन के लिए जाए चाहे एक घंटे के लिए वो जाए, वो हमको कहीं छोड़ के जाते ही नहीं थे, साथ में ही लेके जाते थे। मतलब कि रोशन रोही अपने परिवार से 2 साल से आपके साथ रोशन रोही रिलेशनशिप में रहे हैं? रिलेशन में क्या, शादी करके रहे हैं? शादी करके रहे हैं। पिछला मामला आपने पवन सिंह और अक्षरा सिंह का देखा होगा, लगता है भोजपुरी में ये आदत सी बन गई है। इस बार बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि मगही के सुपरस्टार रोशन रोही का नाम आ रहा है और हमारे साथ एक महिला है जो बड़ा आरोप रोशन रोही पर लगा रही है। पहले क्या कुछ हुआ ये बताइए। रोशन रोही जो है मगध के, आप लोग तो अच्छे जान रहे होंगे उनको, जी वही है, 2 साल से मेरे साथ रहे, अभी 15-20 दिन से वो छोड़ के भागे हुए। 2 साल से आपके साथ रोशन रोही रिलेशनशिप में रहे हैं? रिलेशन में क्या, शादी करके रहे हैं? शादी करके रहे हैं जी। तो ये जो शादी हुआ था, ये शादी कैसे हुआ था? मतलब की मंदिर में हुआ था, कोर्ट मैरिज हुआ था, कैसे हुआ था, अरेंज मैरिज कैसे हुआ था? अंदरूनी हुआ था, जैसे रिलेशन बनाने से पहले मैंने उनको बोला कि शादी देखिए कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना ये करेंगे। बोले नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम करेंगे। मीडिया में बोले वो, आकर मीडिया में भी हमको भी लाए, वो खुद भी बोले, हम भी बोले, उनके पापा जी भी बोले, सब लोग बोले। हम लोग 2 साल साथ में रहे, ये नहीं कि अलग अलग फ्लैट लेके साथ में रहे हम लोग। और 2 साल आप साथ में रहे हैं तो अभी आपको क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि वो आपको अपना बीबी भी मानते हैं? तो इंसान आगे बढ़ने लगता है तो सोचता है कि अब पिछला को क्या पूछे, वो हाल उनका है। मतलब इसका तात्पर्य क्या है, कि या उनका घमंड हो गया जो स्टार्डम है, या अफेयर है, क्या कुछ है? सब चीज है, जब छोड़ने का है तो उनको सब चीज ये दिखेगा ना। अब उनका कहना है कि तुम हमको काम में रोकती हो, आपको 2 साल से काम में नहीं रोके, और जब छोड़ने का समय आपको आ गया तो आज सब जगह हल्ला कर रहे हैं आप कि खुशबू हमको काम में टॉर्चर करती है, ऐसा उनका कहना है। और आपको कब हम बोले हैं काम के मैटर पे, जब आप दूसरे लड़की से अफेयर बनाने के लिए आप सोचिएगा, बात कीजिएगा, गलत गलत जो आप सब लड़की से बात करते हैं मैसेज पे, कॉल पे, वो मेरे पास सारा प्रूफ है कि आप जितनी लड़की लोग से ये किए हैं। मतलब आप ये साफ तौर पर कह रही है, बड़ा आरोप लगा रही है कि रोशन रोही का कहीं और भी अफेयर है। अफेयर है तब ना आप उनको छोड़े हुए हैं। क्या एक लड़की से अफेयर है कि कई लड़कियों से अफेयर है रोशन रोही? बहुत लड़की से वो बात करते हैं, बहुत लड़कियों से बात करते हैं रोशन रोही। अच्छा ये बताइए कि आप और रोशन रोही कब एक दूसरे के रिलेशनशिप में आए, और कब ये बातें इतनी आगे बढ़ गई कि आप शादी तक बातें पहुंच गई? 2 साल जब से हम लोग मिले तब से वो शादी के लिए बोले हमको, जब से मिले तब से शादी। क्या आपको पेरेंट्स को, रोशन रोही के परिवार को पता है कि आप दोनों शादी शुदा है और मर्जी शादी? पता है, सबको पता है। रोशन रोही के फैमिली को पता है? मम्मी भी गए हम बहुत बार, जब वो जाते थे ना एक दिन के लिए जाए चाहे एक घंटे के लिए वो जाए, वो हमको कहीं छोड़ के जाते ही नहीं थे, साथ में ही लेके जाते थे। मतलब कि रोशन रोही अपने परिवार से आपको मिलवा चुके हैं? हाँ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रह के पूरा गांव जानता है उनका, रोशन रोही का पूरा गाँव जानता है कि आप उनकी पत्नी है। तो उनके मम्मी से पापा से आपने बात नहीं किया? उनकी मम्मी से 2 दिन पहले बात हुआ, तो उनकी मम्मी कह रही है हम इसमें क्या कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पापा उनके, पापा बात ही नहीं कर रहे हैं, पापा आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप महिला थाना में मौजूद हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ और यहाँ पर आपको क्यों आना पड़ा? हम जब जिस टाइम आके केस किए उस टाइम मैडम बोली 6 तारीख को डेट दी, अब 29 तारीख को मैडम बोल रही है लड़के को डेट दिया गया 29 तारीख को। ये तो पूरा हमको घुमा दिया गया है कि लड़के को 2 तारीख को लड़का के बैठा, तो 2 तारीख को जब लड़के को बुलाया गया तो लड़की कहाँ थी? अकेले लड़के को सिर्फ बुलाया गया था, यहाँ पे लड़के का अकेले ही मैटर था, लड़की का भी था ना। हमको नहीं कुछ बताया गया, ना बात हुआ मेरा, सिर्फ मैडम आके लड़के से बात की, बात हुआ मैडम का, शायद हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, मैडम तो बोल रही है कि लड़का बोला शादी करने के लिए, तो शादी करना तो आज क्यों भाग रहे हो, सामने आओ, 6 तारीख का डेट है, आ जाओ आज भी। बस हल्ला सुने थे 29 तारीख को लड़का आएगा आएगा ले, हमको कुछ पता ही नहीं है कि 29 तारीख को किसको बुलाया गया, नहीं बुलाया हमको, 6 तारीख को डायरेक्टली डेट मिला। क्या लग रहा है महिला थाना से, एक तो पहले महिला थाना है, लगातार महिलाओं के सपोर्ट के लिए थाना बना हुआ है, महिला थाना से उस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है जैसा आप उम्मीद कर रही है? हमको नहीं लग रहा, बस बोला जा रहा है कर लेगा, वो तैयार है, तो तैयार है तो मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है? एक बार मेरे से बात करोगे ना तुम एक बार? रोशन रोही आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं? नहीं। और यहाँ पर थाना, जो थाना अध्यक्ष, उनका क्या कहना है? उनका कहना है वो कर लेगा। अरे क्या कर लेगा, तुम जो 20 दिन से हमको भगा के रखे हुए, हम दूसरे जगह जो रह रहे हैं, लात मार के तुम भगाए हुए हो, अब तुम क्या करोगे? लेकिन मेरा यही कहना है कि हमको शादी उन्हीं से करना।
मतलब आपका है कि शादी उन्हीं से करेंगे, और उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन नहीं रखेंगे। तो ये कैसे फिर मामला ठीक होगा? उनका कहना है कि हम शादी आपको रखवे नहीं करेंगे, और आपका कहना है कि यही बोल रहे हैं वो कि हम नहीं रखेंगे, और मैडम के सामने बोलेंगे हम शादी कर लेंगे। अरे तुम कर लेते तो तुम अभी इतना दिन से भागे हुए नहीं चलते। तुम कोई मर्डर नहीं ना किए हुए हो? मेरा उनसे कहना है कि आप मर्डर किए हुए रोशन, नहीं ना आप, तो आप आइए अनडायरेक्टली बात कीजिए, फेस टू फेस आके बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे वो हमसे। अच्छा, उनके जब मम्मी पापा को पता है कि आप मैरिड हैं, रोशन रोही की पत्नी हैं, तब तो आप वहाँ पर जाकर उनके घर पर रह सकती हैं। तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? अब जाएंगे, हम बस उनका वेट कर रहे थे कि जो इंसान शांति से मान जाए वो झगड़ा करना क्या जरूरी है? हाँ, क्यों हम ये सब मीडियाबाजी कर? वो मानने के लिए 15 दिन से 20 दिन से हम देख रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, एकदम बातचीत मेरे से वो नहीं कर रहे हैं। तब हम देख लिए कि जब वो मानने ही वाले नहीं है तो हम क्यों शांत बैठे हुए रहे? हम उनके भरोसे पे ही थे ना, ना मेरे पास पैसा है, ना फैमिली है, कुछ नहीं है। क्या आपके मुद्दे को, आपके जो बातें हैं, दबाने की कोशिश किया जा रहा है? क्योंकि ये भी निकल कर खबरें आ रही है कि जो रोशन रोही है बहुत बड़े स्टार हैं, तो पैसा है, घमंड है, इस तरह की बातें आ रही हैं। उनके पास पैसा है तब तो आज यहाँ तक दबा दिए वो, पैसा है, बहुत लोग हैं उनके पीछे, किनका नाम है, बहुत लोग हैं उनके पीछे। आपके बातों को दबाया जा रहा है, पूरा दबा दिया जा रहा है, लेकिन लड़की होके अकेले खड़ा होके लड़ने के लिए हम हिम्मत अपने अंदर रखे हुए और लड़ेंगे। क्या क्या चाहती हैं आप रोशन रोही से, चाहती क्या है, और क्या कहिएगा उन लोगों से जो लोग वीडियो देख रहे हैं? मेरा यही कहना है कि हमको रोशन से शादी करना है। आप 2 साल रख लिए, आप खेल मत कीजिए ये जो खेल खेल रहे हैं आप। कि अरे शादी तो आपकी हो चुकी है, लीगल तौर पर शादी करनी है। हाँ, वो शादी हो चुकी है, बट हमको कोर्ट से करना है कि आप हमसे आके कोर्ट से शादी कीजिए। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ महिला थी जिनका कहना है कि मैं दो साल से रोशन रोही के साथ रह रही हूँ रिलेशनशिप में, पर रोशन रोही 15 से 20 दिन से हमको इग्नोर कर रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं अफेयर भी है, पर वो हमको रखना नहीं चाहते। पर इनका कहना है कि हम रहेंगे, शादी हो चुका है इनडायरेक्टली, पर हम चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज शादी हो, कोर्ट के समक्ष शादी हो, और मैं रोशन रोही की पत्नी हूँ, एक कानूनी तौर पर भी पत्नी हो जाऊँ और उनके घर पर रहूँ। तो आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत, मैं आप सभी का भाई तेजा, लगातार हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे मगही सुपरस्टार रोशन रोही के लिए क्या कुछ कहिएगा जो लगातार ऐसी महिलाओं के साथ लगातार अफेयर सामने निकल कर आते हैं। तो मैं आप सभी का भाई, लगातार हमारे साथ बने रहिए।